हेलो एवरीवन, तो आज जो है अपनी बोटनी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने बोटनी के सिलेबस के बारे में देखा था। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो अपन ने पहली क्लास में कंप्लीट देख लिया था, ठीक है। आज अपनी जो है क्लास है वो फर्स्ट चैप्टर बोटनी का वो है सैवाल अर्थात एल्गी। एल्गी यानी सैवाल के बारे में अपन को विस्तार से जानना है, परंतु बेसिक से अपन को हाई लेवल तक चलना पड़ेगा, जब जाके अपने जो है सैवाल के बारे में समझ में आएगा। और एग्जाम में एल्गी टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो अपना कंप्लीटली राइट होना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि काफी स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो कि हमारे बोटनी के अंदर फर्स्ट चैप्टर एल्गी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी यूनिवर्सिटी है उनमें सिलेबस लगभग 85% सेम है। बस थोड़ा सा उनमें उल्ट फेर है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में एल्गी चैप्टर 1 देखने को मिलेगा और किसी यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर आपको पांचवा या छठा देखने को मिले, इस वजह से ध्यान रखना। बाकी आपका जो सिलेबस है वो आपको जो है कंप्लीट करवाया जाएगा, लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, नो टेंशन लेके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सवालों की मैं बात करूं तो इसके अध्ययन को एल्गोलॉजी कहते हैं। सवालों के अध्ययन अर्थात एल्गोलॉजी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, फाइकोलॉजी कहते हैं। अर्थात सवालों के अध्ययन एल्गोलॉजी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब मैं सवाल के बारे में बात करूं, उससे पहले इधर बात करूं कि विहटेकर नामक जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1969 के अंदर एक पद्धति दी जिसका नाम था पंच जगत पद्धति, ठीक है, पंच जगत पद्धति। और इसके अंदर पांच जगत उन्होंने दिए, वो थे मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। मैंने लिख भी रखा है, देखिए मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। अब जूलॉजी की अपनी क्लास थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था प्रोटेस्टा और एनिमिलिया के बारे में, ठीक है, जूलॉजी की क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रोटेस्टा और एनिमिलिया के बारे में। अर्थात यहां पर जो जीव थे वो एक कोशिकीय थे, एक कोशिकीय थे, ध्यान रखना एक कोशिकीय थे, जूलॉजी क्लास नहीं लिए तो वो ले लेना, ठीक है। और यहां पर जो जीव थे वो भी क्या थे? एक कोशिकीय थे। और यहां पर एनिमिलिया में अपन ने देखे थे संघ, ठीक है, और टोटल संघ जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम, वो कितने थे? 35 थे, जिनमें से मुख्य अपन को पढ़ने थे कितने? 10। और उनमें से एक अपन ने पढ़ा वो क्या था? प्रोटोजोआ। क्या पढ़ा था? प्रोटोजोआ, जो कि आपके जूलॉजी का मुख्य टॉपिक है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूं कि कहीं ना कहीं जूलॉजी और बोटनी दोनों टच है। इन दोनों को अगर किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो तो दूसरी लगभग आपके अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो मैंने वहां पे भी बात की थी कि मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, ये क्या है? पंच जगत पद्धति है, जो कि 1969 में विहटेकर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और अपन को जो है बोटनी के अंदर प्लांटी के बारे में विस्तार से पढ़ना है। प्लांटी में क्या होता है कि इसके अंदर बहुकोशिकीय जीव जैसे कि पेड़ पौधे, प्लांटी अर्थ ही पादप है, प्लांटी के अंदर पादप आते हैं, पादप कौन से? बहुकोशिकीय पादप भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना बहुकोशिकीय पादप भी हो सकते हैं और एक कोशिकीय पादप भी हो सकते हैं, जिनके अंदर पर्ण युक्त स्वपोषी थैलसी पादप, थैलसी पादप का मतलब होता है
कि उनके अंदर मूल और स्तंभ नहीं होते हैं, ठीक है, मूल और स्तंभ पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, थैलसी पादप होते हैं, ठीक है, जो आपको प्लांटिक के अंतर्गत पढ़ने हैं। और इनके अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अर्थात देखो मैंने लिखा है जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी को जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं और आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। तो अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी पादपों के अध्ययन को भी पढ़ना है, अर्थात प्लांटी के अंदर मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूं तो एक विशालकाय पादप के बारे में भी अपन को पढ़ना है और एक छोटे से एक कोश के पादप के बारे में भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो प्लांटी के अंतर्गत अपन को पढ़ना है सहवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ इतना सा पढ़ना है, बाकी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर जो बोटनी का है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट है उसमें सिर्फ अपन को ये पढ़ना है, ठीक है, यूनिट सेकंड में भी पढ़ना है, ठीक है, परंतु फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट में सिर्फ अपन को ये पढ़ना है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर प्लांटी के अंदर सहवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी अपन को पढ़ना है। उसी तरीके से प्रोटेस्टा में अपन ने पढ़ा जूलॉजी के अंदर और उसी तरीके से एनिमिलिया में अपन ने पढ़ा। अब बचे अपने पास कवक और मोनेरा, इनको भी अपन को पढ़ना है, ठीक है, कवक के बारे में भी अपन को पढ़ना है और मोनेरा के बारे में भी अपन को पढ़ना है। परंतु सबसे पहले अपना चैप्टर था सहवाल, तो सहवाल आपको पता चला कहाँ पे है, कौन से जगत में है, प्लांटी जगत में, और अपन को सहवाल पहले पढ़ना है। फिर बाद में अपन ब्रायोफाइटा देखेंगे, कवक देखेंगे, टेरिडोफाइटा देखेंगे, अनावर्त बीजी देखेंगे, आवर्त बीजी देखेंगे, ठीक है। तो आइए सहवाल के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया जिससे क्या होता है कि विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ साफ और आपको यहाँ पर समझना ही है सिर्फ, ध्यान रखना, बाकी इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां से आप उतार लेना, या फिर आपके पास बुक है तो वो लेकर बैठा करो, नोट्स हैं तो वो लेकर बैठा करो, वहां से आप कर लिया करो, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको समझना है, बाकी कोई विद्यार्थी उतारना चाहे तो वीडियो को या फिर क्लास को रोक कर भी उतार सकता है, ठीक है। पंचजगत पद्धति वेंटिल करने दी। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि सहवाल जो होते हैं इनको अध्ययन को, सहवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, और सहवालों की नॉर्मल परिभाषा क्या होती है कि पर्णहरित युक्त स्वपोषी थैलसी पादप हैं जिनमें कोशिकीय विभेदन तथा संवहन ऊतकों का अभाव होता है, कोशिकीय विभेदन तथा संवहन ऊतकों का अभाव होता है। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जननांग एक कोशिकीय, इनमें जो जननांग होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इसकी परिभाषा सहवालों की एल्गी की आपको समझ में आई होगी कि पर्णहरित युक्त, अर्थात ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, सहवाल जो होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उपस्थित होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के प्रकार कौन सा है वो अपन पढ़ेंगे आगे कि क्लोरोप्लास्ट कौन से प्रकार का जो है इसके अंदर उपस्थित होता है। अब एक बात आपके दिमाग में कान खोल के बिठा लीजिएगा कि क्लोरोप्लास्ट अगर सहवालों में उपस्थित है तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ध्यान रखना। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर सहवालों के अंदर होती है तो ध्यान रखना ये कहीं ना कहीं मनुष्य अर्थात अपने काम आते हैं, काम आते हैं, अर्थात इनका अपन को आर्थिक महत्व भी पढ़ना है, आर्थिक महत्व भी अपने जीवन में बहुत है, वो जानेंगे कैसे कैसे है, ठीक है। क्योंकि एक तो मोटा सा बता दूं मैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये ऑक्सीजन के लेवल को हाई करती है, ध्यान रखना जो सहवाल होते हैं ये ऑक्सीजन के लेवल को क्या करते हैं, हाई करते हैं। परिभाषा मैंने बताई कि पर्णहरित अर्थात क्लोरोप्लास्ट है, स्वपोषी, अब देखो स्वपोषी आ रहा है तो ध्यान रखना स्वपोषी और एक होता है अपने विषमपोषी, विषमपोषी, स्वपोषी और विषमपोषी है,
स्वकोशी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उपस्थित होती है और इसके अंदर अनुपस्थित होती है, और ये भोजन स्वयं बनाते हैं, ध्यान रखना, भोजन स्वयं बनाते हैं, जो स्वकोशी पादप होते हैं या फिर स्वकोशी जंतु होते हैं, पादपों की बात मत करो, स्वकोशी जंतु, जीव जंतु या पादप स्वकोशी होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है यहां पर कि ये भोजन भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल यहां पर बात करो तो अपन जो मनुष्य है ना, ये विषमपोषी में आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर मनुष्य लिख दूं मैं और यहां पर लिख दूं एग्जाम्पल पादप, तो पादप भाई साहब स्वपोषी होते हैं और मनुष्य विषमपोषी होता है, ठीक है, स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना भोजन स्वयं पेड़ पौधे बनाते हैं, ठीक है, अपन अपना भोजन तुम ये रोटी बना लेते हो मान लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तुम्हारा भोजन स्वयं बना रहे हो, तुमको वो भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ है, वो जो गेहूं आप खा रहे हो वो पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ है, अगर वो गेहूं की फसल ही ना हो, अगर वो पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही ना करे, अगर वो पादप उसकी जैविक क्रिया ही ना करे, तो उसके अंदर गेहूं का दाना ही नहीं बनेगा, और गेहूं का दाना नहीं बना तो अपन क्या खाएंगे, बताओ क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, अगर खाएंगे भी तो कुछ लोग मांसाहारी होते हैं अर्थात वो मांस भी खा सकते हैं, तो वो मांस खाएंगे तब भी वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित है, तब भी वो खुद नहीं बना रहे, ठीक है, तो मनुष्य विषमपोषी जीव है, स्वपोषी पादप है जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं या फिर स्वयं अपना भोजन तो बनाते ही हैं, परंतु दूसरों को भी भोजन या फिर आहार देते हैं, ठीक है, तो इस वजह से पेड़ पौधे कम से कम काटना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ली कुल्हाड़ी तो चल रहे भाई लग गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इस वजह से अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं, ये केक काटते हैं फालतू की वो करते हैं, उससे अच्छा है कि एक पौधा लगाओ, वातावरण आपके आसपास का है उसको शुद्ध बनाओ, ठीक है, पेड़ पौधे लगाओगे तो एनवायरमेंट जो है अच्छा रहेगा, और अगर वो अच्छा रहेगा तो अपन स्वयं अच्छे रहेंगे, ठीक है, जान आते हैं अपने टॉपिक पर, मैंने बात की पर्णहरी अर्थात क्लोरोप्लास्ट होते हैं स्वपोषी स्वयं भोजन बनाते हैं, थैलसी पादप का मतलब क्या है, थैलसी पादप वे होते हैं जिनके अंदर देखिए स्तंभ भी नहीं होता है, थैलसी पादप वे होते हैं जिनके अंदर स्तंभ भी नहीं होता है और पर्णों में विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है, स्तंभ भी नहीं होता है और पर्णों में विभाजित भी नहीं होते हैं, उन्हें थैलसी पादप होते हैं, तो ये एक तरीके से क्या है, थैलसी पादप, इनमें स्तंभ भी नहीं है, पर्णों में विभाजित नहीं है, मूल भी नहीं है इसका, ठीक है, तो ये शैवाल की परिभाषा हो जाती है। नेक्स्ट है जिनमें कोशिकीय विभेदन, जिनमें कोशिकीय विभेदन तथा संवहन ऊतकों का अभाव होता है, संवहन ऊतकों का और कोशिकीय विभेदन का अभाव ही होता है, स्पष्ट रूप से नहीं होते, ठीक है, और इनके अंदर जननांग एक कोष के होते हैं, ठीक है, बात करें शैवालों के जो है जनक या फिर शैवाल के पितामह किसे कहते हैं, तो एफ ई फ्रेंच को शैवालों का ये मतलब नहीं है कि इन पेड़ पौधों का पिता कहते हैं, शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है, शैवाल विज्ञान का जनक जो है किसे कहते हैं, एफ ई फ्रिस्ट को जो है शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो एम ओ पी आयंगर, ठीक है,
ये तो हो गए एफ इफ्रिस शैवाल विज्ञान जनक कहलाते हैं। जबकि मैं बात करूं एम ओपी आयंगर, एम ओपी आयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। एम ओपी आयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना एफ इफ्रिस को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है और एम ओपी आयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये अपन ने एल्गी अर्थात शैवाल के बारे में, नॉर्मल इसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने देखा। और एक और मैं आपको बता दूं, एफ इफ्रिस को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है तथा एम ओपी आयंगर को आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक का सम्मान दिया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि शैवाल के जो है सामान्य लक्षण, ठीक है, फिर अपन इनका वर्गीकरण, फिर अपन पढ़ेंगे इसके जनन, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट इनके लक्षण मैं आपको बता दूंगा, नॉर्मल है, वर्गीकरण अपने पढ़ना है, काफी इंपोर्टेंट यहां से पूछा जाता है कि शैवाल क्या होते हैं, शैवालों के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से समझाइए, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब जनन की मैं बात करूं तो देखिए यहां पर मैं इसको साफ कर देता हूं, और शैवालों में जो जनन होता है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, ध्यान रखना। और एक मैं आपसे क्वेश्चन यहां पर करूंगा कि मनुष्य में जनन कौन सा होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं ये छोटे से क्वेश्चन जो है नॉर्मल पूछता हूं आपसे, जिससे मेरे को पता लगी कि मैं जो इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास बना रहा हूं इसको आप पूरी लेते हो या नहीं लेते हो, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि मनुष्य में कौन से प्रकार का जनन पाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अपन बात कर रहे हैं एल्गी, इसके अंदर जनन, इसके अंदर जो जनन होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है काइक, ठीक है, दूसरा होता है इसके अंदर लैंगिक, और तीसरा होता है इसके अंदर अलैंगिक, ठीक है। काइक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। शैवाल के अंदर जनन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, काइक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब ये काइक जनन जो होता है ये विखंडन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पोर होते हैं, जो स्पोर होते हैं, काइक जनन जो होता है विखंडन होता है, इसके अंदर स्पोर होते हैं अर्थात बीजाणु, स्पोर का मतलब होता है बीजाणु जो होते हैं, इनके विखंडन के द्वारा जो है काइक जनन होता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जो होता है विषम युग्मों की भी हो सकता है, लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? शैवालों के अंदर विषम युग्म की भी होता है और समयुग्मक की भी हो सकता है और एक विषमयुग्मक की, समयुग्मक की और एक एक और होता है वो होता है एक समयुग्मक की, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर तीन प्रकार से लैंगिक जनन होता है। एक है अलैंगिक जनन, इसके अंदर भी स्पोर जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला अविभेदित अर्थात असमान प्रकार से जो जनन होता है शैवालों के अंदर वो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर शैवालों के अंदर तीन प्रकार से जनन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये शैवाल है
इनका जो है अपन देखेंगे आवाज, ठीक है। ये इसको और भी विस्तार से पढ़ेंगे, नॉर्मल बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। कायिक जनन को विस्तार से पढ़ेंगे, लैंगिक जनन को, अलैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अपन बात करें आवास के बारे में, ठीक है। मैंने एक बात आपको बताया कि क्लोरोफिल होता है इनके अंदर, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होते हैं, और इनके जो है आवास, आवास के बारे में बात करें तो ये कहां कहां पर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये अलवणीय जल तथा समुद्री, ये अलवणीय जल, ठीक है, अलवणीय जल तथा समुद्री जल, अलवणीय जल तथा समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। और खारा जल, खारा पानी यहां पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और चट्टानों पर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, चट्टानों पर अलवणीय जल, खारा जल, लकड़ी, ठीक है, चट्टान, पत्थर और एक लकड़ी, इन पर जो है ये शैवाल पाए जाते हैं। इनका आवास अलवणीय जल, समुद्री जल, खारा पानी, चट्टानों, पत्थर और लकड़ी, सब पर जो है ये शैवाल पाए जाते हैं। ध्यान रखना, सब पर ये शैवाल क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं शैवाल का आकार, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो शैवाल होते हैं ये प्राणी संगठन में भी पाए जाते हैं, ठीक है, प्राणीय संगठन में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इनका जो है आकार और माप दोनों विभिन्न होती है, दोनों विभिन्न होती है, अर्थात विभिन्नताएं इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी इतनी ही रहेगी, और आज अपन ने इस क्लास के अंदर शैवाल के बारे में बेसिक बात की, कल अपन शैवाल के जनन के बारे में पढ़ेंगे, और कल इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसको तीन भागों में विस्तार से जो है मुख्य रूप से बांटा गया है, उसके बारे में अपन देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।